आइए आपके और इन शायरों और शायरात के दरमियान से मैं अपने आप को हटा लेता हूँ और एक एक करके सबको आवाज़ देना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं बुलाता हूँ मयंक को, मंच पर आए और अपने कदाद से सबको साइन कराए। मयंक, तालियां बहुत हल्की लगी हैं। पहला शायर है, उसे तो इतना मिलना है। बहुत शुक्रिया भैया, नव निर्माण भारत की टीम का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे एक स्थान दिया इस मंच पर। मैं कुछ एक मतलब कुछ शेर के साथ आप सबके साथ जुड़ता हूँ कि इज्जत से जब भी मुझको पुकारा नहीं गया, इज्जत से जब भी मुझको पुकारा नहीं गया, मैं मुड़ के उस गली में दोबारा नहीं गया। इज्जत से जब भी मुझको पुकारा नहीं गया, मैं मुड़ के उस गली में दोबारा नहीं गया। और शेर देखें कि इज्जत से जब भी मुझको पुकारा नहीं गया, मैं मुड़ के उस गली में दोबारा नहीं गया। और उससे कहा था खौफ में मुझ पर यकीन कर, उससे कहा था खौफ में मुझ पर यकीन कर, फिर मुझसे उसका खौफ उतारा नहीं गया, फिर मुझसे उसका खौफ उतारा नहीं गया। और ये गज़ल एक मतलब कुछ शेर देखें और ये मतलब इन सभी शायरों के, इन सभी फ़नकारों के नज़र के, सबकी हंसी खुशी के हम औजार बनेंगे, सबकी हंसी खुशी के हम औजार बनेंगे, हम कुछ नहीं बनेंगे तो फनकार बनेंगे। वाह, क्या कह रहे हैं, सबकी हंसी खुशी के बहुत बढ़िया औजार बनेंगे। बहुत शुक्रिया। हम कुछ नहीं बनेंगे तो फनकार बनेंगे। और शेर है कि वैसे तो नौकरी का कोई शौक नहीं है, वैसे तो नौकरी का कोई शौक नहीं है, लेकिन हम हालतन तलबगार बनेंगे, लेकिन हम हालतन तलबगार बनेंगे, और तब अपने घर की खिड़कियों को खोल दूंगा मैं, तब अपने घर की खिड़कियों को खोल दूंगा मैं, जब अपने मिलने जुलने के आसार बनेंगे, जब अपने मिलने जुलने के आसार बनेंगे। और ये शेर देखें, ये सबसे मेरा चहिता शेर और बतौर खास के, बच्चों को कभी अपनी मोहब्बत न दे सका, बच्चों को कभी अपनी मोहब्बत न दे सका, ऐसे तो सभी के सब खुददार बनेंगे, ऐसे तो सभी के सब खुददार बनेंगे। क्या कहने हैं, बहुत शुक्रिया भैया। और बच्चों को कभी अपनी मोहब्बत न दे सका, ऐसे तो सभी के सब खुददार बनेंगे। और गजल का आखिरी शेर सबसे ज़रूरी के, कुत्ते की तरह पालते हैं पत्नियों को और, कुत्ते की तरह पालते हैं पत्नियों को और, दुनिया के सामने ये समझदार बनेंगे। क्या बात है, दुनिया के सामने ये समझदार बनेंगे। बहुत शुक्रिया। एक गजल के साथ मैं आप ज्यादा चाहूंगा कि पिला रहे हैं वो चाय ऐसे, दवा सिराहत क्यों दे रहे हैं, पिला रहे हैं वो चाय ऐसे, दवा सिराहत क्यों दे रहे हैं, जो जख्म चारागरी न समझे वो ये शिकायत क्यों दे रहे हैं। क्या बात है, जो जख्म चारागरी न समझे वो ये शिकायत क्यों दे रहे हैं। और शेर देखें कि जो जख्म चारागरी न समझे वो ये शिकायत क्यों दे रहे हैं। और हमें पता था कि इस जहां में सभी प्रसंगों की एक वजह है, हमें पता था कि इस जहां में सभी प्रसंगों की एक वजह है, मगर हमें ही समझना आया वो इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। मगर हमें ही समझना आया वो इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं। और वतन बुलंदी को छू रहा था मगर हमारी खबर किसे थी, वतन बुलंदी को छू रहा था मगर हमारी खबर किसे थी, ये जब चुनावी हवा चली सब हमें ये अजमत क्यों दे रहे हैं। क्या बात है, ये जब चुनावी हवा चली सब हमें ये अजमत क्यों दे रहे हैं। और एक शेर, सच्चा शेर, कि कभी किसी से नहीं लगाया ये दिल जभी से उन्हें दिया है, कभी किसी से नहीं लगाया ये दिल जभी से उन्हें दिया है, मगर न जाने कई दिनों से नजर बगावत क्यों दे रहे हैं। क्या बात है, क्या शेर है, मगर न जाने, मगर न जाने कई दिनों से नजर बगावत क्यों दे रहे हैं। और चली सुहानी हवा तो हमको लगा के माने हमें पुकारा, चली सुहानी हवा तो हमको लगा के माने हमें पुकारा, कि लौट जाने को अपने घर ये ख्याल ताकत क्यों दे रहे हैं। वाह, कि लौट जाने को अपने घर ये ख्याल ताकत क्यों दे रहे हैं। और आखिरी शेर, इसके साथ मैं इजाजत चाहूंगा कि यहाँ है जो कुछ
हमारे हक में हमें मयसर वही नहीं है। हिमांशु भैया एक शेर देखें कि यहाँ है जो कुछ हमारे हक में हमें मयसर वही नहीं है, हम ही हमारी जरूरतों के लिए रिश्वत क्यों दे रहे हैं, हम ही हमारी जरूरतों के लिए ये रिश्वत क्यों दे रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत अच्छे, क्या बढ़िया।